ज्ञान की त्रुटियों का दूसरा दीवार है। तू सूर्य रश्मि ज्ञान की खुशियों का दूसरा द्वार है। हर दिल की है तू रोशनी प्रेम का दरबार है। गौरव हो तुम जगत के श्रमणी बड़ी विद्वान गुरुना रश्मि जी है तब संयम की धार। श्री कुमारी जी की शिक्षा करें सदा उत्तार चरण बिताए जिस जगह आए वहां। सीएसएस जैन सभा डेरावाल नगर दिल्ली में स्नेह मूर्ति उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री स्नेह कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्य उपप्रवर्तनी दिव्य साधिका डॉक्टर रश्मि जी महाराज साहब के पावन जन्मोत्सव पर जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा दिल्ली प्रदेश और श्री सेवक संघ दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई श्रावक श्राविकाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान कर विशाल रक्तदान शिविर का हिस्सा बने। आज महासाध्वी उत्परिवर्तनी श्री स्नेह कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब का जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा और श्री सेवक संघ दिल्ली ने दोनों ने मिलकर संयुक्त तत्वाधान में आज ये ब्लड कैंप का आयोजन करा है। गुरुना जी महाराज हमें पूरे वर्ष पूरे साल हमें हमारे जन्मदिन पे बधाइयाँ देती हैं, एनिवर्सरी पे हमें शुभकामनाएं देती हैं और भी हमारे सभी शुभ कार्यों में हमें आशीर्वाद देती हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें भी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ समर्पण करें, भेंट करें। तो इसलिए हम उनको क्या दे सकते हैं, हम यही दे सकते हैं जो आज दुनिया का दस्तूर है और हम दान के रूप में उन्हें ब्लड कैंप के रूप में हम ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। यहाँ पे करीब करीब सुबह 8:30 बजे प्रवचन स्टार्ट हो गया था, जिसे हमने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया है और करीब यहाँ पे 700 से 800 श्रावक श्राविकाएं जी आए थे। अब ब्लड कैंप भी चालू है, लगभग हमारी टारगेट 100 यूनिट्स का है। जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी से होगा। बाकी मैं सबको यही कहता हूँ कि रक्तदान जरूर करें, रक्तदान करने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और मानवता के लिए आप कार्य भी कर सकते। मेरा नाम अनिल जैन है। आज आपने ब्लड डोनेट किया है, किस उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और क्या कहेंगे, ब्लड डोनेट करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। हर इंसान को ब्लड जो है 3-4 महीने के अंदर एक बार डोनेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे खून साफ होता है और भी बेनिफिट मिलते हैं, आपकी हेल्थ सही रहती है और आपको कोई भगवान अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे आपको पहले ही पता चल जाता है कि भी आपको ये कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ये हमारे आदरणीय गुरु गुन्नी जी का जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में जो है आज जो है ब्लड कैंप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि रक्तदान शिविर की शुरुआत उपसंगरम व लोगस्य का सामूहिक पाठ कर की गई। जिसके पश्चात प्रवचन सुनने और विशाल रक्तदान शिविर में आए हुए सभी श्रावक श्राविकाओं ने गुन्नी जी को भजनों के माध्यम से जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आग जागे गुरुनी जो है आपको पाया, तुम्हें लख लख बधाई हो, जन्मदिन आपका आया हमारे। भाग जागे गुरुनी जी जो आपको पाया। Yeah.
वहीं विशाल रक्तदान शिविर के उद्घाटन करने का सौभाग्य श्रीमान पदमचंद जैन जी शीतल पेपर एजेंसी कृष्णा नगर दिल्ली वालों के परिवार को प्राप्त हुआ, जिनका श्री सेवक संघ और जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा की ओर से विनीत जैन के द्वारा पटकी एवं माला पहना भगवान महावीर स्वामी जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर रश्मि जी महाराज साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज ये रक्तदान शिविर का कैंप लगाया गया है और इसमें जहाँ तक उम्मीद है कम से कम हमें 100 आदमियों का टारगेट हमने ले रखा है, क्योंकि रश्मि महाराज जी का ध्येय यही है, धर्म करो, ब्लड दान करो, जितना करो संसार का भला कर सकते हो उतना भला करो। साथ ही रक्तदान करने वाले सभी श्रावक श्राविकाओं के मनोबल को बढ़ाते हुए उन्हें भी उपहार वितरित किए गए, जहां सभी ने जन्मदिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर जैसे नेक कार्य की जमकर अनुमोदना की और इसे एक सराहनीय कदम बताया। मानव की सेवा के लिए मेरा जीवन मानव सेवा के लिए जुड़ा हुआ है, तो दुनिया में हर चीज मशीनों से बन सकती है, एक ब्लड ही है जो किसी मशीन की उपज नहीं हो सकती, तो कई बार एक खून की बूंद किसी की जिंदगी को बचा सकती है। और फिर जो खून का होता है वो किसी भी जाति और संप्रदाय से बंधा नहीं होता, आप किसी ब्लड को देखकर नहीं कह सकते ये हिंदू का है, मोहम्मदन का है या किस व्यक्ति का है, खून तो खून है जो हमारे जीवन में सहयोगी बनता है। रक्तदान हमारे खून की एक बूंद क्या पता किसी की जिंदगी को बचा दे, किसी परिवार को बचा दे, क्या पता रिश्ते जो टूट कर बिखर रहे थे उनमें सहयोगी बन जाए। और रक्तदान से संबंधित मेरा सबसे बड़ी धारणा कि हम धरती माँ की गोद में पैदा हुए, माँ ने तो हमें इतना नन्हे से रूप में पैदा किया था और धरती माँ की गोद में खेल कूद कर इतने बड़े हुए हैं। जहाँ हमारा गुरुजनों के प्रति ऋण होता है, अपने पूर्वजों के प्रति ऋण होता है, धरती माँ के प्रति भी ऋण होता है। ये धरती माँ के ऋण को चुकाने के लिए ये इसका प्रयोग करते हैं कि हम धरती माँ का कण भर ऋण चुकाए तो नहीं जा सकते पर प्रयास किया जा सकता है। मानवता से जुड़े हुए प्रत्येक काम मेरी प्रत्येक कहानियों में मुझे अच्छी लगती है जो मानवता से जुड़ी ही होती है। उनकी अपनी श्रद्धा है, ये मेरे गुरुनाथ जी का आशीर्वाद है जो आज खुद बादलों की ओट में है पर इन सब के माध्यम से वह अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये उनकी प्रेरणा है, मेरी कुछ प्रेरणा नहीं है, मैंने तो बहुत कम लोगों का पता होगा एक दूसरे के माध्यम से आजकल मीडिया से, बस आप सबकी शुभकामनाएं। अनिल जी का प्रयास था लोगों के पाठ के लिए, फिर वाणी जी हमारी सहयोगिनी है, उन्होंने भी अपने तरीके से जैसे वो मैसेज दे सकते थे, मेरे को तो था कि हम कुछ मानवता से जुड़े हुए काम करें। जब हम मानवता से जुड़ करके कोई काम करते हैं तो हमारे जीवन का अर्थ होता है। गुनगुनाते रहूं जब भी बुलाए मैं आती रहूं, जब भी देखूं हर पल तुझे मैं देख तुझे मुस्कुराती रहूं, गाती रहूं गुनगुनाते रहूं जब भी बुलाए मैं आती रहूं। उपरत्नी महासाधु श्री रश्मि जी महाराज।